तरबूज तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन क्या कभी आपने तरबूज के छिलकों की मिठाई खाई है? बहुत ही टेस्टी लगती है और आप इसको देख भी सकते हैं, जितनी ये देखने में स्वादिष्ट लग रही है उतनी ही टेस्टी ये खाने में भी है। तो अब कभी भी आप तरबूज के छिलकों को नहीं फेंकेंगे, क्योंकि आप इससे बहुत ही टेस्टी मिठाई बना सकते हैं बहुत ही कम दामों में। तो उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग शुकिंग विद काजल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर मैंने 11 से 12 तरीके से लंबे में कट करे हुए तरबूज के स्लाइस लिए हैं, जिसमें आपको ये पीछे का जो ग्रीन पार्ट होता है वो भी निकाल देना है और यहाँ पर जो रेड पार्ट होता है आपको उसको भी निकाल देना है। और आपको इसको कम से कम 2 से 3 बार बढ़िया तरीके से धो लेना है। तो आपको पीसेस कट करने में इस बात का ध्यान रखना है कि इसकी इतनी लंबाई हो ताकि हम इसे अच्छी तरीके से फोल्ड कर सकें। तो अब इसको हम प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसे किसी कढ़ाई में खुले में भी बना सकते हैं। तो इसको प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र करने के बाद इसमें लगभग हम 2 कप पानी इसमें डालेंगे और अब हम हाई फ्लेम पर इसमें 1 सीटी लगाएंगे। आपको हाई फ्लेम पर 1 सीटी लगानी है और इसको हम सीटी लगाने के बाद इसको तुरंत हमें निकाल देना है। बहुत देर तक हमें इसे गर्म पानी में नहीं छोड़ना है। तो 1 सीटी हमें यहाँ पर हाई फ्लेम पर लगानी है, तो सीटी को हमें तुरंत निकाल देना है। यहाँ पर 1 सीटी आ चुकी है, तो आपको इसमें बहुत देर तक नहीं रखना है इसको। तो इसको तुरंत हम रिमूव कर देंगे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ट्रांसपेरेंट भी हो गए हैं और अपने साइज़ में ये काफ़ी कम भी हो गए हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये कुक हो गए। हमें इसको हल्का सा केवल सॉफ्ट करना है। तो अभी से हम किसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो जब तक ये थोड़े से ठंडे हो रहे हैं तब तक इसके लिए हम चाशनी बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक हैवी बॉटम की कढ़ाई में 1.5 कप के करीब चीनी ली है। अगर आप ग्राम्स में देखेंगे तो ये 300 से 350 ग्राम है। तो जितनी हमने चीनी ली है उससे दुगना हम यहाँ पर पानी डालेंगे। तो यहाँ पर 1.5 कप चीनी में आपको 3 कप के करीब पानी ऐड करना है और हमें यहाँ पर 1 तार या फिर 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। इसको हम हाई फ्लेम पर तब तक उबालेंगे जब तक चीनी अच्छी तरीके से डिज़ोल्व नहीं हो जाती है। तो हमें चीनी को अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी भी अच्छी तरीके से घुल गई है। तो जब चीनी अच्छी तरीके से घुल जाए तो मीडियम फ्लेम पर आपको चाशनी को कम से कम 5 मिनट के लिए कुक करना है। तो अब इसमें हम फ्लेवर के लिए यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच केवड़ा वाटर ऐड करेंगे, जिसमें मैंने इस तरीके से ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है। आप चाहें तो आप यहाँ पर अपनी पसंद का कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। तो इसको भी अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम चाशनी को 5 मिनट के लिए बढ़िया से कुक करेंगे। तो यहाँ पर उबाल आ गया है और 5 मिनट भी हो गए। तो जितने भी हमने स्लाइसेस रेडी करके रखे थे उसको हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आप यहाँ पर कोई ऐसी कढ़ाई लें जो थोड़ी सी फैली हुई हो ताकि सारे टुकड़े अच्छी तरीके से इसमें डिप हो जाएं। और इसको चाशनी में डालने के बाद हम मीडियम फ्लेम पर 5 से 10 मिनट के लिए इसको अच्छी तरीके से कुक करेंगे ताकि इसमें बढ़िया से कलर भी आ जाए और जो चाशनी है वो भी छिलकों में अंदर तक बढ़िया से एब्जॉर्ब हो जाए। तो आपको कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए इसको अच्छी तरीके से उबालना है। तो जब इसमें हल्के हल्के उबाल आने लगे तब आपको जो छिलके हैं वो थोड़ा सा ऊपर और नीचे कर देना है। तो आपको ये काम बहुत ही हल्के हाथों से करना है, क्योंकि छिलके जो है वो ऑलरेडी काफ़ी सॉफ्ट हैं। तो जो नीचे वाले हैं वो आपको ऊपर कर देने हैं और जो ऊपर वाले हैं वो आपको नीचे कर देने हैं, ताकि सारे छिलकों में बढ़िया तरीके से चाशनी एब्जॉर्ब भी हो जाए और इसमें बहुत बढ़िया से कलर भी आ सके। तो बहुत ही हल्के हाथों से आपको ये काम करना है। तो कम से कम इसको 5 से 10 मिनट के लिए हम इसमें अच्छी तरीके से उबालेंगे। तो आप देख सकते हैं चाशनी में बढ़िया से उबाल आ गया है। तब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हमें तरबूज की जो शीट्स हैं उसको इस तरीके से चाशनी में ही डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। तो इसको कवर करके आपको एकदम रूम टेम्परेचर पर लगभग 1 घंटे के लिए रख देना है, ताकि ये बिल्कुल बढ़िया से ठंडी हो जाए। तो यहाँ पर जो शीट्स हैं वो एकदम ठंडी हो गई है और आप देख सकते हैं कि इसमें कितने अच्छे तरीके से कलर भी आ गया है। तो अब हम इसे किसी प्लेट पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो उससे पहले आपको एक पहले नीचे प्लेट रखनी है और उसके ऊपर इस तरीके से हमें कोई भी जाली रख देनी है, कोई भी चलनी आपको रख देनी है और सारे जितने भी हमने यहाँ पर शीट्स को रेडी किया था उसको हम इस तरीके से इसमें रख देंगे। तो किसी भी चलनी में रखने से इसकी जितनी भी एक्स्ट्रा चाशनी है वो निकल जाएगी और नीचे कोई भी बर्तन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो आपको एक एक करके इस तरीके से फैला देना है इसमें। तो इसको कम से कम हम 10 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। तो जब तक इसमें से सारी चाशनी निकल रही है तब तक हम इसके लिए फिलिंग रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप मिल्क पाउडर लिया है।
अब इसमें हम रूम टेम्परेचर का दूध ऐड करेंगे। तो आधा कप मिल्क पाउडर में आपको आधा कप दूध ऐड करना है और इसको अच्छे तरीके से हमें मिक्स करना है। तो आपको इसको मिक्स करने के लिए रूम टेम्परेचर का ही दूध लेना है, बिल्कुल भी आप यहाँ पर गर्म दूध का यूज़ ना करें। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना रह जाए। तो आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके ही दूध ऐड करना है। तो यहाँ पर मिल्क पाउडर भी तैयार है। तो यहाँ पर मैंने ये 150 ग्राम पनीर लिया है कद्दूकस करा हुआ। आप चाहे तो आप यहाँ पर फटे हुए दूध का भी यूज़ कर सकते हैं, जो नॉर्मली दूध फट जाता है आप उसको किसी कपड़े से छानकर फिर उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने एक चम्मच देसी घी लिया है और अच्छी तरीके से जब घी गर्म हो जाए तो इसमें हम पनीर ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हमें इसको कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए बढ़िया तरीके से भूनना है ताकि पनीर का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो कम से कम आप इसको 5 से 6 मिनट के लिए ज़रूर भूनें। तो आप देख सकते हैं पनीर से जो घी है, जो चिकनाई है, वो भी निकल रही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब जो हमने यहाँ पर मिल्क पाउडर मिक्स करके रखा था उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो उससे पहले आपको एक बार इसको चला लेना है और अब इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद कम से कम आप इसको 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरीके से कुक करें। हमें इसको तब तक कुक करना है जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता है, तब तक हमें इसको कुक करना है। और आप इसको बीच बीच में थोड़ा सा चलाते रहें ताकि ये बिल्कुल भी बेस पे ना चिपके। तो अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच चीनी। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर चीनी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अभी ये कितना ज़्यादा गीला था, तो ये हल्के हल्के ड्राई होना शुरू हो गया है। तो जब तक ये पूरी तरीके से ड्राई नहीं हो जाता है तब तक हम इसे कुक करेंगे। तो अब इसमें हम फ्लेवर के लिए डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, 2 बड़े चम्मच बादाम कटे हुए और 2 बड़े चम्मच बारीक कट करे हुए काजू। आप यहाँ पर अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर नारियल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरीके से हम मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं फिलिंग बनके बिल्कुल तैयार है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको जल्दी से ठंडा करने के लिए हम किसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। तो आप भी बिना मावा के बहुत ही टेस्टी मिठाई बना सकते हैं बहुत ही कम बजट में बेकार पड़ी हुई चीज़ों से। तो यहाँ पर फिलिंग जो है वो भी अच्छी तरीके से ठंडी हो गई है। तो सारी चीज़ें बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए अब इसको फोल्ड करते हैं। तो आपको इस तरीके से एक पीस लेना है और इसमें हम लगभग 1 से 1.5 बड़े चम्मच फिलिंग ऐड करेंगे। तो फिलिंग आपको थोड़ा साइड से ऐड करनी है और अब इसको हम इस तरीके से कवर कर देंगे। तो इस तरीके से आपको इसको फोल्ड कर देना है। तो देखिए कितनी बेहतरीन सी मिठाई आप बहुत ही कम बजट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और जो दूसरी तरफ से हल्का सा इसमें गैप है उसमें भी हम थोड़ी सी फिलिंग को और ऐड कर देंगे। तो इसी तरीके से आपको सारे रोल्स बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो जिधर से हमने फोल्ड किया है उस साइड से आपको रखना है ताकि ये बिल्कुल भी खुले नहीं। वैसे अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर एक लौंग का टुकड़ा भी लगा सकते हैं। तो सारे हम रोल्स इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बेकार पड़ी हुई चीज़ों से आप बहुत ही टेस्टी मिठाई बना सकते हैं। तो इस मिठाई को बनाने के बाद अब आप जानबूझ के तरबूज के छिलकों को कभी भी नहीं फेंकना पसंद करेंगे, क्योंकि इससे बहुत स्वादिष्ट मिठाई आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप दूसरा रोल भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हम सारी मिठाइयों को इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी मिठाई को बनाकर तैयार कर लिया है। तो हमारी मिठाई बनके बिल्कुल तैयार है। तो इसको बिल्कुल मार्केट वाला लुक देने के लिए यहाँ पर मैंने चांदी का वर्क का यूज़ किया है। तो अगर आप चाहें तो आप लगाएं, नहीं तो ये टोटली ऑप्शनल है। लेकिन इसको लगाने से जो इसका लुक है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कोई नहीं मानेगा कि आपने इसको तरबूज के छिलकों से बनाया है, वो भी बिल्कुल बेकार, जो बिल्कुल यूज़लेस होते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको इसमें लगा देना है, तो इससे इसका लुक भी बढ़ेगा और खाने में तो बहुत टेस्टी ये लगती ही है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको ऐड कर देंगे। तो अब इसकी हम गार्निशिंग करेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट से। तो आप यहाँ पर अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बारीक कटे हुए इस तरीके से बादाम इसमें लगाए हैं। आप चाहें तो आप यहाँ पर काजू पिस्ता जो आपको पसंद हो वो इसमें लगा सकते हैं। तो देखने में कितनी टेस्टी लग रही है, तो खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो एक बार आप भी इस मिठाई को ज़रूर बनाकर देखिए, कोई पता नहीं लगा पाएगा कि आपने इसको कैसे बनाया है, सब आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी आसान सी रेसिपीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।